हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको ये बास्केट बनाना बताऊंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें कितने प्लास्टिक नेट लगे हैं और कितने ये फ्लावर्स लगे हैं। तो इसमें चार प्लास्टिक नेट लगे हैं, इस बास्केट को बनाने में चार प्लास्टिक नेट लगे हैं और 25 ये फ्लावर लगे हैं। बाकी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ कि ये बना कैसे हैं। तो सबसे पहले एक प्लास्टिक नेट लेंगे और 15-15 बॉक्स लेके कट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने चारों तरफ से 15-15 बॉक्स लेके कट कर लिया है। उसके बाद क्या करना है, उनको इस तरह से बांध लेंगे इसमें। उसके बाद इस तरह से बुनना स्टार्ट करेंगे। एक चैन लेंगे, नेक्स्ट बॉक्स में से इस तरह से हाफ क्रोशिया निकालेंगे। इसी तरह से हाफ क्रोशिया निकालते हुए इसे बुनकर कंप्लीट कर लेना है। तो ये इस तरह से मैंने बनाकर तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये दूसरा ऊन लेंगे, इस पर डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। इस बॉक्स में डालना है सुई को और इस बॉक्स को गिनते हुए 1, 2, 3, 4, 5 इस बॉक्स में इस तरह से निकालना है। अब ये इसी तरह से डिज़ाइन बनना स्टार्ट होगा। तो ये इसी तरह से यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे चारों साइड इसी तरह से बना लेना है। तो ये मैंने डिज़ाइन बना के तैयार कर लिया है चारों तरफ से, आप देख सकते हैं। ये एक दूसरे के आमने सामने हैं और ये एक दूसरे के आमने सामने हैं। इसी तरह से ये डिज़ाइन बन के तैयार होगा। उसके बाद क्या करना है, इसको इस तरह से मोड़ते हुए अटैच कर लेना है। उसके बाद एक मोती लगा देंगे। तो ये इस तरह से अटैच करके मैंने एक मोती लगा दिया है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे भी एक मोती लगाना है और यहाँ पे भी दोनों तरफ मोती लगा लेना है। तो ये इस तरह से मैंने मोती लगा दिया है। एक फ्लावर में ये 3 मोती लगेगा। इसी तरह से आपने बाकी के फ्लावर भी तैयार कर लेने हैं। तो इसी तरह से 25 फ्लावर बना के तैयार कर लेने हैं कि आप देख सकते हैं। उसके बाद ये एक और प्लास्टिक नेट लेंगे, इसको इस तरह से बराबर में करेंगे और फिर कट कर देंगे। ये इस तरह से कट करने के बाद अब इस पे हम डिज़ाइन बना लेंगे। ये ऊपर की साइड से,
ये नीचे है और ये ऊपर के साइड से हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए ये दो बॉक्स छोड़ देना है हमें। दो बॉक्स छोड़ के तीसरे बॉक्स में इस तरह से उनको डालेंगे और फिर इस बॉक्स को गिनते हुए 1 2 3 4 इस बॉक्स में इस तरह से निकाल देंगे। फिर इस बॉक्स में डालेंगे, इसी बॉक्स में निकालेंगे। इसी तरह से डिज़ाइन बनते जाएगा। तो ये 7 बॉक्स में से इस तरह से हमने निकाल लिया है। उसके बाद अब इस बॉक्स में इस तरह से सुई को डालना है और इस तरह से निकालना है। ये इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद इसी तरह से यहाँ पे बना लेना है डिज़ाइन। तो ये इस तरह से मैंने ये डिज़ाइन बना के तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। साथ ही मैंने ये नीचे भी डिज़ाइन बना लिया है। ये वही डिज़ाइन है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, सेम वही डिज़ाइन मैंने यहाँ पे भी बनाया है। तो आपने ध्यान रखना है कि ये जो आप डिज़ाइन बनाएंगे इसके बैक साइड आपने ये डिज़ाइन बनाना है, आप देख सकते हैं। इस डिज़ाइन के बैक साइड ये डिज़ाइन बना है। इसी तरह से ये बन के तैयार होगा। ये मैंने दोनों पीस पे इस तरह से बना के तैयार कर लिया है। उसके बाद क्या करना है, इसे अटैच करना है। तो ये एक साइड से मैंने इस तरह से अटैच कर दिया है, आप देख सकते हैं।
उसके बाद क्या करना है, इसको इस तरह से करके अटैच कर देना है। ध्यान रखना है कि ये जो डिज़ाइन है ये डिज़ाइन बाहर की तरफ से रहेगा और ये जो हमने डिज़ाइन बनाया है ये अंदर की तरफ रहेगा। इसी तरह से करते हुए इसे अटैच कर देना है, सेम वैसे जैसे हमने ये अटैच किया है। तो ये इस तरह से मैंने दोनों साइड से अटैच कर दिया है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद क्या करना है, ये एक प्लास्टिक नेट लेंगे, इसके ऊपर इस तरह से रख के कट कर देना है, बिल्कुल इसके बराबर कट करना है। तो ये इस तरह से मैंने कट कर लिया है, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद इसे अटैच करना है। तो ये इस तरह से मैंने अटैच कर दिया है, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, ये जो हमने फ्लावर बनाया था इसे लगाना है इस तरह से। तो ये इस तरह से मैंने अटैच कर दिया है, आप ये देख सकते हैं। इसी तरह से बाकी के फ्लावर भी इसी तरह से अटैच करते जाने हैं। तो इस तरह से मैंने अटैच कर दिया है, बाकी के भी ये जो है इन सबको अटैच कर देना है। तो ये इस तरह से मैंने सबको अटैच कर दिया है, आप ये देख सकते हैं। तो ये अभी कुछ इस तरह का बन के तैयार होगा, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। उसके बाद मैंने ये प्लास्टिक नेट ले लिया है, 7 बॉक्स लेके इसे मैंने कट कर लिया है, आप ये देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद क्या करना है, इस पर डिज़ाइन बनाना है, इस पर भी वही डिज़ाइन बनाना है जो हमने बास्केट में बनाया है। इसमें इस तरह से डालेंगे,
1, 2, 3, 4. इसी तरह से इन सब ये ही डिज़ाइन सब में बना लेना है। तो ये इस तरह से मैंने बनाकर तैयार कर लिया है, आप ये देख सकते हैं। साइड में मैंने ये हाफ क्रोशिया लेकर इसे बुन लिया है, साथ ही मैंने ये तार लगा दिया है ताकि टाइट रहे। उसके बाद बास्केट को लेंगे इस तरह से बराबर में करते हुए अटैच कर देना है। तो ये एक साइड से मैंने इस तरह से अटैच कर दिया है, दूसरी साइड से भी सेम वैसे ही अटैच कर देना है इसे। तो ये इस तरह से मैंने दोनों साइड से अटैच कर लिया है, आप ये देख सकते हैं। तो अब ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।